Scintilla. नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा चींटियों के बारे में। चींटी जो एक छोटा सा जानवर है, आपने देखा होगा उसको हमेशा ग्रुप में कहीं पे भी, अगर आपके घर में कुछ खाने के लिए पड़ा हुआ है तो उसको उठाने के लिए आपने देखा होगा छोटी छोटी चींटियाँ घूमती रहती हैं सड़क पे। लोग आटा डालते हैं उनको, उनके छोटे छोटे आपको घर मिल जाएंगे। और हमें इंसानों को इतना मतलब एडवांस हो गए हम लोग टेक्नोलॉजी में और पढ़ाई में और ग्लोबलाइजेशन और ये सब स्पेस तक पहुंच गए हैं, लेकिन शायद हम इन जानवरों के तो ऑब्ज़र्व नहीं करते जितना हमें करना चाहिए। और बाद में सोच रहा था कि अगर चींटियाँ जो है वो इंसानों की बातें समझ पाती या इंसान के पास कोई तरीका होता चींटियों से कम्युनिकेट करने का, शायद अच्छी बात है कि नहीं है, लेकिन अगर होता तो उनकी लाइफ कैसे होती? क्या आपको लगता है हम चींटियों को जैसे अभी वो जी रही हैं वैसे जीने देते? क्योंकि वो इतने छोटे हैं कि हमारी नज़र में नहीं आ पाते। बड़े बड़े जानवर जो हैं, जो पहले अपने हिसाब से जीते थे, उनके जंगल ख़त्म करके हमने बिल्डिंगें बना दी हैं, और वो सारे जानवर आपको अब जू में मिलेंगे या बोलते कि एक्सटिंक्ट हो गए हैं या अब गिने चुने बचे हैं, सेव द टाइगर, सेव द पांडास, ये सब हालत आ चुकी है। लेकिन चींटी हो गई या कॉकरोच अगर हम ले लें, ऐसा छोटा जानवर है जिसको हम इग्नोर कर देते कि अरे ये क्या है, लेकिन अगर हम वो हमारी हम उनको समझ पाते तो उनकी लाइफ कैसे चेंज होती? मुझे लगता है जैसा हम इंसानों के साथ किया, जैसे इंसान रहते हैं इस दुनिया में, वैसे ही हालत शायद चींटियों की होती, कि जो चींटियों में हम पॉलिटिक्स करा रहे होते कि भाई इलेक्शंस हो रहे हैं और उनका कोई लीडर चुना जाएगा, और जो है कि भाई चींटियों में आपस में सब अभी मिलजुल के काम करती हैं, लेकिन तब शायद ऐसा होता कि ये लाल चींटियाँ हैं तो ये काली चींटियों से अलग हैं, और हम उनको उनके डिफरेंसेस रियलाइज़ कराते जिसका उन्हें आइडिया भी नहीं। हम उन्हें बोलते कि नहीं नहीं ये लाल चींटियाँ हैं तो ये अलग रहेंगी, ये काली चींटियाँ ये अलग रहेंगी, ये सफ़ेद चींटियाँ ये अलग रहेंगी, और उनको हमने शायद जॉब दे दी होती कि भाई अब चींटियाँ जो हैं ऐसे खुलेआम किसी के ऐसे नहीं घूम सकते, खुलेआम जो है सामान इकट्ठा नहीं कर सकते, अब उनको जो है जॉब पे जाना पड़ेगा, उनके ऑफिस हुआ करेंगे, और जो है उनको अगर वो इतना काम करेंगे दिन में तो हम उनको इतनी सैलरी देंगे, या फिर जो है हमने उनके लिए कोई गेम बना दिया होता कि भाई तुम्हारा ये गेम है, तो कंट्रीज़ हो गई चींटियों की, सेम जैसे इंसानों की हालत है इस दुनिया में, कि दुनिया अलग अलग कर दी है, अलग अलग लोग हो गए हैं, सब आपस में लड़ मर रहे हैं। शायद पहले लोग मिलजुल के काम करते होंगे, किसे पता है, किसी ने देखे ही नहीं वो दिन, सबको बस आज की तारीख में जिन चीज़ों से मतलब है वो ये कि भाई पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो शायद हमने चींटियों को भी उसी काम पे लगा दिया था कि भाई ये सब छोड़ो और काम करो, तुम्हें इतने आवर्स के इतने पैसे मिलेंगे, या फिर वो बेचारी पॉलिटिक्स में लड़ मर रही होती जैसे लोग मर रहे हैं, चींटियों के धर्म हो गए होते कि भाई तुम इस धर्म की हो, तुम इस धर्म की हो, ये हिंदू चींटी है, ये क्रिश्चियन चींटी है, ये मुसलमान चींटी है, वो सब कर चुके होते। उसके अलावा चींटियाँ टैक्स दे रही होती और उनका जो रिसोर्स है जो उन्होंने इकट्ठा किया वो शायद इंसानों ने उस पर कब्ज़ा कर लिया होता। बाकी जानवरों के साथ तो हम कर चुके, उनके जंगल होते थे वो सब तो हमने कब्ज़ा करके जानवरों को कहीं का छोड़ा नहीं है, वो बेचारे बोल नहीं सकते, सड़कों पे घूम रहे होते हैं, आवारा जानवर जो अच्छे दिखते थे भाई, फ्रेंडली हैं, छोटा कुत्ता बिल्ली वो आपने डोमेस्टिकेट कर लिए हैं, बाकी जानवर से आप मजदूरी करा रहे हो, या उनको जू में रखा हुआ है, या वो काम के नहीं है तो एक्सटिंक्ट हो गए, या नहीं तो उनको मार पीट के लोग खा जाते हैं। तो शायद चींटियाँ अगर इतनी अंडरस्टैंडिंग होती हूँ कम्युनिकेट करने की तो शायद हम उनके साथ भी यही करते। और पॉइंट ये है कि सारी अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि अपना अपने आप को आप कंपेयर करके देखो, आप चींटियों से ही कंपेयर करो अपने आप को, आप कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है,
आप इंसान हो, अपने आप को बड़ा मानते हो, समझ है, ये सब है, ठीक है, लेकिन अपने आप कम से कम चींटी अपने फ्री विल से काम तो कर रही है। आप लोगों की तरह तो नहीं कि भाई जैसे सोसाइटी चला रही है उस हिसाब से आप लोग चल रहे हो, और टॉप 1% जो लोग हैं दुनिया के, आपकी 10-15-20 लोग जिनके पास सारी प्रॉपर्टी है दुनिया की, ऑलमोस्ट 90% जो धन है वो उनके पास है, जो कि गरीबों में अगर दे दें वो लोग, तो आपकी वर्ल्ड हंगर ख़त्म हो जाए, पॉवर्टी ख़त्म हो जाए, लेकिन उसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। लोगों को पढ़िए कि भाई इलेक्शंस कब हैं, तो किसको वोट देना है, कौन उनकी पार्टी का है, किससे उन्हें फ़ायदा है, कौन उनके रिलीजन का है, कौन उनकी कंट्री का है, इन सब चीज़ों में लड़मर रहे हैं। डिवाइड कर दिया लोगों को, पहले किसे पता था कि कौन हिंदू है या कौन मुसलमान है, लेकिन ये ऐसा दिखता है तो ये ऐसा हो गया, ये ऐसा दिखता है तो ये ऐसा हो गया, वो सब आपने डिवाइड कर दिए हैं। उसके बाद जो जिन चीज़ों से लोगों को मतलब होना चाहिए था कि भाई सबको खाने के लिए मिले, सबको रहने के लिए जगह मिले, सबको साफ पानी मिले, उन चीज़ों की आपकी मोनोपोली चल रही है। अगर कोई पैदा हुआ उसको रहने के लिए जगह चाहिए, तो भाई गरीब है तो भाई किराए पे रहो, अपना मकान बनाना तो उसके लिए पूरी ज़िंदगी मजदूरी करो, उसके बाद पैसे जैसे तैसे पैसे इकट्ठे करके फिर मकान की किश्तें दो, जैसी भी जॉब है उसको सहो, बर्दाश्त करो, या तो वो सिस्टम हो रखा है। खाने के नाम पे खाने के लिए भी फिर वही जॉब करो, जॉब करोगे तो तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे, इतना वो मिलेगा। और क्यों ऐसा क्यों है दुनिया में कि 99% जो लोग हैं वो ऐसे काम कर रहे हैं और किसी के अंडर हैं, और जो 1% लोग हैं जिनके पास सारा पैसा है, जो कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, वो नहीं कर रहे हैं। वो अपनी अलग दुनिया है उनकी, उनको किसी से फ़र्क भी नहीं पड़ता, और ना ही किसी में इतनी हिम्मत है, या हमारे पॉलिटिशियन जिन्हें हम वोट देके प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ये सब बनाते हैं, वो कुछ नहीं कर रहे। कोई किसी भी कंट्री को उठा के देख लो आप, कहीं पर भी कोई टैक्स नहीं पे कर रहा। बड़ी बड़ी कंपनीज आपकी अमेज़ोन और ये और वो, हर साल की इन्होंने इतना टैक्स दिया, लेकिन आपकी जो मिडिल क्लास है उसको टैक्स भी देना है, उसको काम भी करना है, उसको हफ्ते में 5-6 दिन काम भी करना है, फैमिली के लिए उसके पास टाइम नहीं है, फैमिली की इतनी सारी चिंताओं में उसको फंसा दिया है कि भाई तुम्हें पहले घर बनाना है, फिर फैमिली का सोचना है, पैसे इकट्ठे करने हैं, सेविंग करनी है, पढ़ाई करनी है, इन सब कामों में लगे रहो। और अगर इंसान ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है, कहीं पर जाके प्रोटेस्ट करना शुरू कर दे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस बना दी है, या ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बना दिए हैं बिजी रखने के लिए, एंटरटेन करने के लिए गेम्स बना दिए कि भाई स्पोर्ट्स चला दो अगर कुछ नहीं हो रहा, तो कुछ बड़ा इशू करना है जिसके बारे में लोगों का ध्यान ना जाए उसके ऊपर, तो कोई वर्ल्ड कप करा दो क्रिकेट का या फुटबॉल का वर्ल्ड कप करा दो, सब लोग उसके पीछे फिर लड़ने मरने को तैयार हो जाएंगे। कभी यूरो कप हो रहा है, वर्ल्ड कप हो रहा है, क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है, इन्हीं सब चीज़ों में लोग आपस में लगे हुए हैं। ऑनलाइन आप सोशल मीडिया पे जाओ, ट्रेंडिंग में हमेशा स्पोर्ट्स में क्या हो गया और कंट्रीज़ और आपस में लड़ रहे हैं, और यही सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हो रहा होता है। कभी हम ये नहीं पूछते कि भाई हमारे जो लीडर्स हैं वो सब क्या कर रहे हैं, कहाँ सेंस बनता है कि एक इंसान के पास में इतने सारे पैसे हैं और बाकी कंट्री अगर भूखी मर रही है, तो क्यों नहीं वो पैसा सब में बराबर होना चाहिए, या ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे सब बिना किसी टेंशन के रह सके, जी सके। क्यों एक ही कंट्री में लोग सड़कों पे मर भी रहे हैं, और उसी कंट्री में कोई इंसान है जो $1 बिलियन के घर बना रहा है, या जिसके पास हज़ारों में मतलब हर तरह की गाड़ियां हैं और वो घूम रहा है, और काम करने के लिए लोगों के लिए छोटी छोटी कंपनियां खोल दी हैं कि नहीं चुनी कि भाई इनमें तुम काम करो, और वहां पे भी एक जॉब निकलेगी तो 10 लोग अप्लाई करेंगे, उसमें तुम उन्हें हायर करो और उनसे फिर मजदूरों की तरह काम करो, और वो छोड़ेगा भी नहीं, जैसे आप लोग कहोगे वैसे वो काम करेगा, क्यों, क्योंकि उसके अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। और जब वो इन सब कामों में बिजी है, जॉब करने में और ये सब करने में, तब तक आप लोग आराम से देश को लूट रहे हो। कोई कंट्री आएगी पहले आके वो लूटती है, कोई सिविलाइजेशन आती है फिर वो लूटती है, फिर आप कंट्रीज और ये लीडर्स और यही सब चल रहा है, टॉप आपके जो टॉप 1% लोग हैं उनका यही खेल चल रहा है, बाकी आम जनता क्या कर रही है। तो मुझे नहीं पता मैं क्यों, आज मुझे बस
सोचा मैंने उस बारे में, और मुझे सोच के लगा कि यार अगर चींटियाँ ये छोटे मोटे जानवर कीड़े मकोड़े भी अगर इंसानों इंसान की बात समझ पाते तो शायद हमने उन्हें भी इसी काम पे लगा दिया होता, वो अपने फ्री विल से नहीं जी रहे होते। और भगवान ने बनाई, ठीक है भगवान है, भगवान को बांट दो, वो भी एक अच्छा तरीका है ना लोगों में डिफरेंस क्रिएट करने का। शायद किसी को पता भी नहीं होगा कभी कि क्या धर्म है क्या है, लेकिन किसी ने बोल दिया कि हाँ ये अब ये धर्म बन गया, अब ये धर्म बन गया कोई, और सब ये नहीं कि सबका भगवान है कि सब उसमें लगे हुए कि नहीं नहीं हमारा धर्म बेस्ट है, हम ऐसे करते हैं हम वैसे करते हैं, और दूसरे धर्म वालों से हमें नफरत है। ये नफरत कहाँ से आई? और मैं बोले जा रहा हूँ, आप लोग सुनोगे इस वीडियो को, शायद यहाँ तक पहुँचोगे भी नहीं, पहले ही बोलोगे यार ये क्या बोरिंग वीडियो है, और उसको क्विट करके आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि आपको मैच का स्कोर देखना है या आपको कल सुबह ऑफिस जाना है तो आपको उसकी चिंता है, आपको इन चीज़ों का फ़र्क भी नहीं पड़ता। खैर मेरा काम है, मुझे जिस चीज़ के बारे में फील होगा इस चैनल पे मैं उसी बारे में पोस्ट करूँगा, उसी बारे में बात करूँगा, और अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है ख़राब लगती है तो मत देखो वीडियो में, और क्या बोलूँ आप लोगों को। मैं समझा सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये चीज़ें हैं, एटलीस्ट मैं इनिशिएटिव ले रहा हूँ, अपनी आवाज़ उठा रहा हूँ कि हमारे समाज में ये इश्यूज़ हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई सही बात है तो उसको बाकी लोगों से आप उस बारे में बात करो। क्यों नहीं चेंज हो सकता सिस्टम? सिस्टम हमारा सिस्टम, कुछ भी बात होगी सिस्टम ऐसा है जी, करप्शन तो है ही, ये तो है ही। क्यों ऐसा? क्योंकि आप लोगों ने बनाया, आप लोगों से बनता है सिस्टम। ये मत बोलो कि 10 लोग आपको उस करोड़ों लोगों के देश को कंट्रोल कर रहे हैं और आप लोग आराम से कंट्रोल हो रहे हो। जो चीज़ सही है दिमाग लगाओ अपना, क्या चीज़ आपके लिए, आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। आज की तारीख में साफ जहाँ भी जाओ किसी भी शहर में पोल्यूशन इतना है, पीने का साफ पानी नहीं है, पानी में पता नहीं क्या क्या गंदगी आ रही है दुकानों पे। एक ज़माने में बोलते थे कि एक ज़माने में देखना तुम दुकानों पे पानी मिला करेगा, और वो बिक रहा है। कुछ टाइम में शायद हवा भी ना मिले, और जैसे इस समय हालत हो रखी है दुनिया की, कोई अच्छे वो दिख नहीं रहे कि आगे फ्यूचर में कुछ अच्छा होने वाला है। और हमारी कंट्री में, इंडिया में, जहाँ पे इतनी बड़ी करीब 50 करोड़ लोग जो हैं युवा हैं, आपके 15 से 24 साल की एज ग्रुप में हैं, उनके फ्यूचर की किसी को कोई चिंता ही नहीं है। पढ़ाई कराए जाओ उनसे कि भाई ये पढ़ाई करो, अपना बीए करो, बीटेक करो, फिर मास्टर्स करो, उसके बाद तुम्हें कोई 15-20 हज़ार की जॉब मिलेगी, उसको करते करते मर जाओ। इस टाइम में कोई इंसान जो है पावर में वो अपना करोड़ों रुपये ऐसे स्कैम करके घोटाला करके कमाएगा, ऐशो आराम से रहेगा, दुनिया घूमेगा, उसको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा आपकी लाइफ से। और आप अपने धर्म के आधार पे और सोसाइटी के हिसाब से अपने लीडर्स चुनते जाओ। जब तक आप लोग नहीं सोचना शुरू करोगे तब तक किस देश का कुछ नहीं होने वाला। बाकी देश साफ सुथरे हैं, सुंदर दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्योंकि आप लोगों ने अपने देश को गंदा किया होगा। जब तक अपने देश की खुद सफाई नहीं करोगे तब तक नई चीज़ें चेंज होंगी। और अगर आप इन चीज़ों को समझोगे तो शायद आपको लगेगा कि अगर सब मिलजुल के, सब भूल भाल के कि आप किस धर्म के हो, किस बिरादरी के हो, किस कास्ट के हो, किस कंट्री के हो, तो शायद आप देख पाओगे कि आप इंसान हो। और जैसे सब चीटियां मिलजुल के आपस में रह सकती हैं, ऐसे इंसान भी रह सकते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है कि हमें कोई कंट्रोल करे और बोले कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना। सबको हक है, सबको खाने के लिए मिलना चाहिए, सबको के पास घर होना चाहिए, और ये सब इश्यूज़ हैं जिसे आप लोगों को सरकार तक पहुंचाना चाहिए कि अगर कोई गरीब है तो उसको पहले घर बना के दो। ये सब चीज़ें जो आप पैसे वेस्ट करते हो, ये बना दिया वो बना दिया, उससे पहले जो बेसिक नेसेसिटीज़ है अगर वो ठीक हो जाएंगी देश की तो अपने आप सिस्टम बदल जाएगा। वो आज के लिए बस इतना ही। और मैं क्या बोलूँ यार, आप लोग सोचो, आपका देश है, आप लोगों को इसे सुधारना है। बाकी अगर आपको वही कंटिन्यू रखना है तो आप रखो, आपको अपना फ्यूचर में समझ में आ जाएगा एक दिन, और आप ही शायद लोगों को आने भी लगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको मेरी बात से आप रिलेट कर पा रहे हो तो
बात करो लोगों से यार।